हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्वेता एंड टुडे इज डे 29th मे। टुडे इज संडे। या आई नो आई हैव नॉट पोस्टेड एनीथिंग रिसेंटली ऑन YouTube। मैं थोड़ा बिजी थी बिकॉज माय फादर इज शिफ्टिंग टू समवेयर एल्स, दूसरी कंट्री में। तो उनके ही सब पासपोर्ट और वीजा के चक्कर में आई वॉज हेल्पिंग हिम विद सम डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए। और ऑल्सो माई एग्जाम्स चल रहे हैं। हमारा सेकेंड सेमेस्टर है जो मास्टर्स का, वो खत्म हो रहा है। टुमारो इज माई लास्ट पेपर एंड आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग मैकडोनल्ड्स ऑफर, तो मुझे उसमें एक फ्रोजन कोक करके नया मेन्यू दिखाई दिया। एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल कि हम मैकडोनल्ड्स का नया मेन्यू ट्राई करने वाले हैं जो है फ्रोजन कोक। तो दूसरी चीज़ें तो लोगों ने खाई है, क्या क्या आता है मैकडोनल्ड्स में, वो चटपटा नान, महाराजा मैग, मैक चिकन और फिर या बहुत सारी आलू टिक्की, ये सब तो हमने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है। बट देन ये वाला जो फ्रोजन कोक है, ये एक नया मेन्यू है। सो लेट्स गो, ट्राई तो करना पड़ेगा ना, नया मेन्यू है। तो यू कैन सी मेरा नया पिम्पल आया है, इसका नाम है पिम्पलीज। जब हम कहीं जाने वाले होते हैं, हमारे घर में कोई अच्छा फंक्शन है, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो पिंपल तो आना ही है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्रैवल कुछ दिनों में, तो इसलिए पिंपल आके मेरा साथी बन गया है। और एक बात ये है कि मेरे जो यहाँ वाले जो अपर लिप्स के हेयर्स है, ये थोड़े ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ डूइंग ब्लीच यहाँ पर, बिकॉज यू नो अगर यहाँ पर थ्रेडिंग करेंगे ना, तो आपको रिपीटेडली वो थ्रेडिंग करवानी पड़ती है, और फिर वो बहुत वियर्ड लगता है जब आप थ्रेडिंग करवाते हो इस पार्ट पर। जैसे कि बॉयज़ क्लीन शेव करके आ जाते हैं तो इट लुक्स सो वियर्ड, तो वैसे ही गर्ल्स, जैसे गर्ल्स ने मूछे बनवा ली हो, तो आई नेवर यूज़ थ्रेडिंग इस पार्ट पर। आई ऑलवेज यूज़ ब्लीच, वो आपका जो यहाँ वाला जो हेयर है वो स्किन कलर के साथ मैच कर देता है। तो ब्लीच इज अ गुड ऑप्शन। इसके आई एम गोना यूज दिस नेचर्स गोल्ड क्रीम ब्लीच। तो आप इसको फेस पे और यहाँ पर दोनों जगह, दोनों पार्ट पर, पूरे फुल फेस पर और नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज आई एम यूजिंग फॉर द सेकेंड टाइम, और इसके पहले मैंने फेम ब्लीच ट्राई किया था, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। देन आई ट्राइड दिस वन इज गुड। अभी देखते हैं कि इसका इंस्ट्रक्शन क्या है। इसको आई गेस 10-15 मिनट्स तक लगा कर रखना होता है। दिस इज द क्रीम। इसका क्वान्टिटी यू कैन यूज 2 या 3 बारी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, 2-3 बार। इसे आप 1:6 की मात्रा में यूज करेंगे। अगर आप इसको 2 स्पून ले रहे हैं, तो आप जो ये एक्टिवेटर है इसको बस 2 या 3 पिंच ही लें, बिकॉज अगर हम ज़्यादा इसे मिक्स करेंगे तो ये इचिंग दे सकता है स्किन पर। तो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। 1 and 2 spoon, this much। और मेटल के प्लेट्स यूज मत करें, क्योंकि इसके इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ कुछ प्लास्टिक का प्लेट है, तो प्लास्टिक के प्लेट्स यूज करें। और अभी एक्टिवेटर, बहुत थोड़ा एक्टिवेटर यूज करें। इसमें मैं पेंच कैसे करूँ, आई यूज ऐसे ही थोड़ा, बहुत ध्यान से। बस आई गेस इतना काफ़ी है। सी आई डोंट थिंक कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बट देन बहुत कम है ये। मिक्स मिक्स मिक्स। लगाने के पहले आप इसको थोड़ा सा अपने स्किन पर ऐसे ट्राई करके देख लें, आई मीन ईयर्स पे या इस पार्ट पर, कि आपको इचिंग तो नहीं हो रही है। इफ़ इचिंग यूज़ हो रही है तो आप थोड़ा सा और क्रीम ऐड कर लें, और जो एक्टिवेटर है उसको कम यूज़ करें। सो आप पहले फेस वॉश कर लो और फिर इसको अप्लाई करना शुरू करो। पूरे फेस पर और नेक पार्ट पर थोड़ा थोड़ा इचिंग होगा, और संभाल कर लगाएं इसे। आईज के जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर मत लगाओ। अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है तो यू जस्ट वॉश योर फेस और इसको रिमूव कर दो इमीजिएटली।
तो फिनिश हो गया है क्रीम और नाउ वी विल वेट फॉर 10-15 मिनट्स. फ्यू मिनट्स लेटर सो इट्स ऑलरेडी 10-12 मिनट हो चुके हैं, तो अभी देखते हैं इसको रिमूव करके क्या रिजल्ट आया. वाइप्स यूज कर. सी आई डोंट नो कि आपको दिखाई दे रहा होगा बट देन इसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है, ब्राउन हो गया है. फेशियल हेयर्स इफेक्टिव. ब्लीच का ज़्यादा रिजल्ट ना एक दिन बाद आता है, तो कल ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव था. 24 आवर्स इट टेक्स. ऑल्सो जस्ट डोंट अप्लाई फेस वॉश जस्ट आफ्टर दिस ब्लीच बिकॉज उसमें केमिकल्स होता है, तो इट मे बी हार्मफुल फॉर योर स्किन. एंड या फेस वॉश कर लिया एंड जस्ट आई विल क्विकली चेंज माई क्लोथ्स एंड वील मीट एट मैकडोनल्ड्स. सो वी हैव रीच्ड मैकडोनल्ड्स. साथ में कालू भी आया पूरा अपना नया मेन्यू फ्रोजन कोक. और है मैकवेजी. शिल्पा इज हैविंग मैक चिकन पीरी पीरी. I'm done eating. Shilpa ka abhi bhi khatam nahi hua hai. Khana kha rahi hai. Also aaj match hai IPL ka final. Yahan pe Gujarat Titans ke fan aaye hain. I hope ki Rajasthan Royals jeete because I am supporting Dhyan Parab. Because he's my crush. Shilpa ka jeeja hai. We are now going Big Bazaar. Let's see, कुछ एसी की हवा खाने और कुछ कपड़े ट्राई करने. ऐसा सेम ड्रेस है मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप वाला जो मैंने पिछले पौधे पे पहना था. यू नो वॉट हैपन गाइज, मैं ट्रायल रूम में क्लोज ट्राई करी थी ना, तो एक इयर रिंग खो गया. ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा. बहुत धूप है, 2 बज रहे हैं अभी दोपहर के. आई बॉट दिस और नाउ वी आर हेडिंग होम. हमारा जो सामान या मतलब पर्स सबमिट किया था वो बिना लिए ही हम जा रहे थे. लेके आओ जल्दी. हैप्पी आवर्स. पानी पियो और हाइड्रेटेड रहो गाइस.
कार्तिक के लिए पिज्जा पार्सल। या सो आई केम बैक, इट्स स्टिल 41 डिग्री, धूप है बहुत अहमदाबाद में, अभी भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है अभी। एंड इफ यू टॉक अबाउट फ्रोजन कोकी मैकडॉनल्ड के, इट वॉज अ टोटल फेल। उसमें बहुत कम कोक था और बहुत ज़्यादा आइस थे, इट वॉज लुकिंग फैंसी बट देन मुझे नहीं पसंद आया, इट वॉज अ टोटल फेल। आई रिकमेंड भाई, मतलब 59 रुपीज का था वो, आई गेस इट वॉज अ वेस्ट। और पूरे दांतों में झंझनाहट हो गई, जिसके दांत सेंसिटिव है वो तो आई मीन कैसे सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज करने वाले कैसे खाएंगे वो, आई डोंट नो। सो इट वॉज अ फेल रिव्यू, इट्स अ वेस्ट। एंड थोड़ी शॉपिंग की मैंने और कार्तिक के लिए भी कुछ खाने के लिए पिज्ज़ा और वो पार्सल कराया, एंड दैट्स इट, इतना ही कुछ हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, बट आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ और थोड़ा वेट करना। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में बताना कि आपको कौन से या क्या नए चैलेंजेस, कोई वीडियो के सजेशन हो तो कॉमेंट्स में आप प्लीज़ बताना। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।